हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं अशोक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो ऐप के अंदर आप किस प्रकार से FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट बोले तो आप किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना आपसे काफ़ी सारी की चीज़ें मिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर नुकसान करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो FNO का बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन नाम आ रहा है। ऑप्शन चेन क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये आपके निफ्टी 50 का स्पॉट है और ये आपका बैंक निफ्टी का स्पॉट है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अभी स्पॉट क्या चल रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे उसमें कितना परसेंटेज वाइज आज चेंज हुआ। यदि माइनस में चल रहा है तो यानी कि आज मार्केट गिरा है, और प्लस में चल रहा है तो यानी आज मार्केट बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आपको बैंक निफ्टी का भी देखने को मिलता है। जो ये आगे आपको देखने को मिल रहे हैं ये पॉइंट्स है, और ये जो पीछे आपको देखने को मिल रहा है ये परसेंटेज वैल्यू है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस सीधे भी दे दिए गए हैं। देखिए, ऑप्शंस आपके इंडेक्स के होते हैं, जैसे ये दोनों इंडेक्स है, इनके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं उनके भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पर जो ट्रेडिंग होती है जनरली वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें से भी बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बड़े पॉइंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन क्या, देखिए ऑप्शन चेन से हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये जो अभी स्पॉट चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन चेन है वो बैंक निफ्टी की देखने वाले हैं, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं बैंक निफ्टी वाले पे, और यहाँ पर जो आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं स्पॉट्स, और ये आपका ATP यानी एट द मनी प्राइस कहलाती है। यहाँ पर आपको, और ये देखिए ये जो सीरीज चल रही है यहाँ पर आप देखेंगे 35,000, 35,100, 35,200, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर आपको यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। इधर ये आपको जो भाव देखने को मिल रहे हैं ये कॉल के देखने को मिल रहे हैं, और ये पुट के आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इन द मनी और आउट ऑफ द मनी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका एट द मनी, और कॉल के लिए ये आपके आउट ऑफ द मनी हो गए। आउट ऑफ द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है उसके भाव कम होते हैं, और देखिए पुट के लिए ये आपके आउट ऑफ द मनी हो गए। वहीं इन द मनी की बात करें तो कॉल के लिए ये आपका इन द मनी है, और पुट के लिए ये आपका इन द मनी है। तो जनरली आपको इसके बारे में बस मोटा मोटा आइडिया रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको क्या खरीदने से प्रॉफिट होगा और क्या खरीदने से लॉस होगा। तो देखिए, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगता है कि आज यहाँ पर 35,500 है और ये ऊपर जा सकता है, तो आपको कॉल लेनी चाहिए। यदि आप कॉल लेते हैं तो उसका जो भाव है वो ऊपर जाता है, और आपको लगता है कि आज मार्केट नीचे आ सकता है तो आपको पुट बाय करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता है तो आपको प्रॉफिट होगा। ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करनी है, मार्केट आपको लगता है नीचे आएगा तो आपको पुट बाय करनी है। गाइस, यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी है, यानी आपका जो भी आपने बाय किया है वो इस दिन एक्सपायर हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। जो भी स्क्रिप्ट है, इनको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं जनरल भाषा में, और स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, तो ये आपके जीरो हो जाएंगे। जो आउट ऑफ द मनी आपके कॉल की है वो जीरो हो जाएगी, और इधर पुट वाली आउट ऑफ द मनी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपायरी आपको जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो एक्सपायरी है ऑप्शंस के, वो हो जाती है गुरुवार को। हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और शनिवार और संडे को छुट्टी रहती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है।
गाइज आप यदि चाहे तो इन कॉन्ट्रैक्ट में जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट है इनके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर इनके अंदर जो जनरली वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहता है। तो रिकमेंड यही है कि आप जो नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही ट्रेडिंग करें। तो अब बात करते हैं आपको बाय और सेल किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस चाहिए वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि मार्केट और ज़्यादा माइनस हो सकता है तो आप यहाँ पर पुट को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने प्रीमियम के पुट या कॉल को लेंगे वो उतनी ही स्पीड से कम और ज़्यादा होती है। यदि वो आपकी दिशा में चलती है तो काफ़ी फटाफट बढ़ जाती है, और यदि आपके अगेंस्ट चलती है तो वो काफ़ी फटाफट नीचे आ जाती है। तो हम मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि आज मार्केट और नीचे जाने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो 33,000 है, 33 नहीं, हम यहाँ पर 32,900 बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको बाई पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऊपर देखिए बैंक निफ्टी 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 31 मार्च तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। 31 मार्च को आपको इसको बेचना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये और ये हमारा पुट है, और आपको कॉल का इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हम पुट बाई करना चाह रहे हैं, तो ये हमने पुट ले लिया है। यहाँ पर आपको भाव देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप जो डेप्थ है इस पर क्लिक करके जो इसकी अदर डिटेल्स है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बिड प्राइस यानी कि जो बाई करने के लिए प्राइस है वो कितनी है, सॉरी प्राइस है, और यहाँ पर ये क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी लगी है किस प्राइस पर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आस्क प्राइस यानी कि सेलिंग के लिए जो प्राइस लगी हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी भी देखने को मिल जाती है, आज कितने पे ओपन रहा, कितने पे क्लोज हुआ, कितना लो रहा और कितना हाई रहा। तो आप देख सकते हैं इसने 27 का लो लगाया है लगभग 28 का, और अभी ये 37 पे चल रहा है। तो यहाँ पे 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको प्रॉफिट किस प्रकार से मिलता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक लोट बराबर 25 की क्वांटिटी होती है, यानी आप 25 से कम नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आप 24 खरीदना चाहें तो 24 आप नहीं खरीद सकते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पर आपको 25 के मल्टीपल में ही बाई करनी है। जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, या फिर 100 हो गया, तो इस प्रकार से आपको जो क्वांटिटी है वो बाई करनी है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 100 क्वांटिटी खरीदी, यानी कि आपने 4 लोट खरीदे और वो उनकी जो प्राइस थी वो 100 रुपये थी, तो आपने ये बाई कर लिए। अब मान लीजिए जो आपने 100 रुपये की बाई की थी वो अब बढ़कर 200 रुपये हो गए, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 100 रुपये, और 100 की आपकी टोटल क्वांटिटी थी, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है 100 रुपये आपका बढ़ चुका है, तो ये टोटल आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब आपको जो बेसिक आइडिया है वो चल गया होगा। अभी आप इसका एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आपने 27 में ख़रीदा होता और आपने इसको 37 रुपये पे बेच दिया होता, तो यहाँ पर आपको 10 रुपये प्रॉफिट मिल गया, और 100 की क्वांटिटी ली होती तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पर आ चुके होते। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बाकी लॉस भी आपको इसी प्रकार से लगता है। तो गाइस जिस प्रकार से प्रॉफिट होता है उसी प्रकार से आपको लॉस भी होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको इसमें जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें हो सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करके चलना है। ये तो हमने मार्केट डेप्थ देख ली है, अब हम वापस से चलते हैं, और यहाँ पर हम इसका यदि आपको चार्ट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, चार्ट किस प्रकार से देखना है। तो ये जैसे अभी 32,900 की ये पुट है, तो यहाँ पर आप सीधा ही यहाँ पर आप सर्च कीजिए 32,900, तो यहाँ पर हम 32,900 सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल
रही है। बैंक निफ्टी की 31 मार्च की ये पुट ऑप्शन है, ये हमको बाय करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इसका चार्ट देखने को मिल गया है। आप यहाँ पर इसको कैंडलस्टिक चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं और यहाँ से ही आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है जो कि हमने पहले देखी थी। अभी यहाँ पर आपको ये जो बाय का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बाय करने की जो डिटेल्स है वो आ जाती है, जो हमने आपको वहाँ से बताई थी ऑप्शन चेंज से, वैसे ही आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक लॉट बराबर 25 की क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर जैसे आप 24 डालेंगे तो वो आपका लोट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर 50 लेंगे तो ये आपके 50 की क्वांटिटी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको जो प्राइस यहाँ पर डालना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो है अभी प्राइस में मार्केट है, आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका लिमिट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आप जिस भी प्राइस पर आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका जो प्राइस है वो आ जाएगा। मान लीजिए हमको ये 37 रुपये पे बाय करना है, तो हमने 37 रुपये पे यहाँ पर इसको डाला और यहाँ पर बाय पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारा ऑर्डर लग चुका है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर डिटेल में क्लिक करके इसकी ऑर्डर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डैशबोर्ड में आके भी अपनी ऑर्डर डिटेल देखना चाहे तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आपके ओपन ऑर्डर है, यानी कि अभी तक आपने ऑर्डर लगाया है पर आपकी जो प्राइस है वो नहीं आई है, इसलिए आपका ऑर्डर पेंडिंग है। जैसे यहाँ पर हमने 35 रुपये इसकी प्राइस लगाई है और अभी 41 रुपये 42 रुपये चल रहा है, तो ये हमारी प्राइस नहीं आई है। यदि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए, यदि आपको ऑर्डर डिटेल यहाँ से देखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर डिटेल है, जैसे आपके जो लिमिट प्राइस है ये आपका, बाकी अदर चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर को, और मॉडिफाई करना है तो आप इस पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्राइस और बाकी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमको 37 रुपये यहाँ पर चाहिए, हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 37 डाला। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो अदर चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डर टाइप तो डिलीवरी है, यानी कि आप इसको एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं, गुरुवार तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको जब भी खरीदेंगे उसके बाद में गुरुवार तक होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस आपको प्रॉफिट सेम डे ही मिल जाता है या फिर 5-10 मिनट में मिल जाता है तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको क्वांटिटी का बता ही दिया है और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर प्राइस 37 रुपये डाली है। अभी हम इसको कंफर्म चेंजेस पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी प्राइस है वो चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप फ्री इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कोटक सिक्योरिटी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री इंटरडे ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप ग्रो में ही करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस ध्यान रखनी है और आपका ब्रोकरेज यही लगने वाला है। अब मैं आपको बाई और सेल करना भी बता देता हूँ, लाइव बाइंग सेलिंग का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। गाइस यदि आपको स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगाना है उसका वीडियो अलग से बना दिया है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगा सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर, के लिए अपनी क्वांटिटी लगा रखे हैं। तो अब इसको बाय करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर बाय का जो बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल में बाय करना होता है, जैसे हमको मान लीजिए 2 लॉट बाय करने हैं तो हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 लॉट हो गए। बैंक निफ्टी में 1 लॉट बराबर 25 क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ पर 2 लॉट बाय करने वाले हैं। यहाँ पर हमको ये इसकी प्राइस है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी प्राइस डालनी हो आप डाल सकते हैं। यदि आपको मार्केट पर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए मार्केट प्राइस की व्यवस्था नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर हम लिमिट प्राइस पर ही इसको बाय कर लेकर कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमने बाय किया है और यहाँ पर अभी इसके आप पोजीशन सब कुछ देख सकते हैं कि आपने कितने पे बाय किया है, 1 लॉट बाय किया हुआ है और अभी प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आपको इसको सेल करना है तो आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आप इसको मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लिमिट अपने हिसाब से जिस भी प्राइस पर आप बेचना चाहते हैं तो आप उस पर भी बेच सकते हैं। तो अभी देखिए जो प्राइस चल रही है वो ये है, तो अभी हम इसको इसी प्राइस पर आपको बेच के बता देते हैं। और ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो अभी देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वैसे आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऑल ऑर्डर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये हमने बाई किया हुआ था और अभी हम इसको बेचने के लिए लगा रखे हैं। यहाँ पर ये अभी ये जो येलो येलो कलर आ रहा है ये इनके अभी ऑर्डर ओपन में है, ठीक है। तो हम इस पर अभी क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं और इसको इसकी जो प्राइस है वो कम कर लेते हैं, 65 कर देते हैं। यहाँ पर अभी 1 पैसेट कर देते हैं, यहाँ पर 1 पैसेट चल रही है। तो अभी देखते हैं मॉडिफाई हो चुका है, तो अभी देखते हैं क्या ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो चलते हैं ऑल ऑर्डर्स पे और यहाँ पर FNO पे क्लिक करते हैं। तो गाइज ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन का निशान आ गया, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ग्रो ऐप के अंदर ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। यदि आपको फ्यूचर्स के अंदर भी काम करना है तो आपको सीधा जो भी फ्यूचर्स है उनको सर्च कर लेना होता है, यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज यदि आपको ग्रो से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको इसके चार्जेस बता देता हूँ, तो देखिए ग्रो के अंदर चार्जेस है 20 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि आपको 20 रुपये बाई करने के और 20 रुपये सेल करने के टोटल मिला के आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना होता है 40 रुपये, प्लस GST अलग होता है। उसके अलावा जो हिडन चार्जेस है वो अलग होते हैं। यदि आपको बिल्कुल फ्री में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जारी कर सकते हैं। तो आप फ्री ट्रेडिंग का मजा लेना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।